आपको जगाने से इससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। और यही यही मशवरा आज हम सड़कों पे लेकर आए हैं कि आज आप आवाजें सुन लें, वरना हम गवर्नर हाउस के सामने भी बैठेंगे, हम सीएम हाउस के सामने भी बैठेंगे, हम असेंबली के सामने भी बैठेंगे, हम चीफ जस्टिस को पैगाम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने भी बैठेंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि ट्वीट और ब्लॉग के ऊपर तो सो मोटिव एक्शन आप लेते हैं, सड़कों पर ये जो बैठी हैं यहाँ पर इनके तहफ्फुज़ के लिए भी कोई एग्जाम लीजिए। तो ये आज सिर्फ एक पुरअमन किस्म का पैगाम है जो रियासती इक्तदार में बैठे लोगों को इन तमाम औरतों की तरफ से, जेंडर माइनॉरिटीज की तरफ से, साथियों की तरफ से है कि अब भी जाग जाइए, वो वक्त दूर नहीं कि ऐवानों में आके आपको कान खोल के सुनाया जाए और इन औरतों के हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंचे। सबसे पहले क्योंकि मीडिया के साथ ही हमारे साथ है, मैं दरख्वास्त करूंगी मदीहा लतीफ से कि वो आके हमारे मुतालबात का चार्टर पेश करें। I speak on behalf of the Women Democratic Front, Women's Action Forum, Besharam Baghi Tehreek, Tehreek-e-Niswan, Siyasi Aurtein, Aurat March and the Inter-University Feminist Union. We demand to end all violence against women, trans women and non-binary persons by patriarchal forces including state pay act mechanisms. We demand to take affirmative steps to uphold our rights and ensure justice when violated. We demand accountability of all public officials who fail to recognize our rights, including perpetuating victim-blaming myths. We demand radical structural and procedural reforms of all public institutions to ensure they uphold our rights and reflect our interests. We demand our justice system conducts effective and transparent investigations of all gender-based crimes and fair and expeditious trials, starting with the implementation of the Criminal Law Amendment Offences Related to Rape Act and the Transgender Persons Protection of Rights Act, banning the two-finger test, providing additional resources and specialized training for first information reporting, medical examinations, counseling and investigation and prosecution, establishing gender-based violence reporting cells all across SINDH, led by women police officers with specialized training. And lastly, we want to see an increase in the funding for existing Darul Amans and shelters and to increase the number of functional shelters providing quality of care in crisis and shelter services, including the police adoption of full survivor freedom of movement. Thank you. ये पेपर पब्लिक है, तमाम साहबियों को दे दिया गया है। इसके चीदा चीदा जो मुतालबात है हमारे आने वाले जितने भी यहाँ पे खिताब करने वाले हैं वो अपनी अपनी तकरीरों में आपके साथ बयान करेंगे, लेकिन इसका वही मैं बार बार कहूंगी, इन मुतालबों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये पेपर आप रिसीव कर लें, साइन करके हमें चुप करा दें। इसका मतलब ये है कि जागिए, जागिए इससे पहले कि आपको अपने इख्तदार की, अपनी कुर्सियों की फिक्र पड़ जाए, उस वक्त से डरिए। सबसे पहले मैं विमेंस एक्शन फोरम ख्वातीन महाज़े अमल की मेंबर अनीस हारून साहबा से गुजारिश करूंगी कि वो सामने आए और हमें मदद करें कि जो हमारे मुतालबात हैं रियासत को, वो उनकी पैगाम जो है वो अपने अल्फाज में आगे बढ़ा सके। अनीस हारून, आप सबकी जुर्रत को, आप सबकी हिम्मत को सलाम। हम आज जैसे फुरत ने कहा बहुत गुस्से में हैं, बहुत तैश में हैं कि एक औरत जो अपने तीन बच्चों के साथ निकलती है, अगर उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए
या उसकी गाड़ी में कोई खराबी हो जाए या वो बेहोश हो जाए तो उस औरत का अंजाम क्या होता है? कोई मदद के लिए नहीं आता, पुलिस भी बाद में पहुंचती है। पहले कहते हैं हमें नहीं, इनसे रब्ता करो, या आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विस नहीं है जो इन हुदूद का ख्याल रखे बगैर अगर कोई मुश्किल में है तो आप फौरन उस तक पहुंचे। ये कैसी रियासत है? रियासत जिंदा है या मर गई है? मैं समझती हूँ कि ये रियासत मुर्दा रियासत है, ये बेशरम रियासत है, ये बेहया रियासत है, ये रियासत जिंदा नहीं है। जो रियासत अपने बच्चों की, अपनी ख्वातीन की हिफाजत ना कर सके और उसका एक कारिंदा खड़ा हो के ये कहे कि वो इतनी रात को क्यों निकली, हमारा मुतालबा है कि ऐसी तमाम काली भेड़ों को पुलिस से फौरन निकाला जाए। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, खुदाइश करते रहते हैं और जिनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है उन पर सारा इल्जाम लगा देते हैं। जो कि लेकिन हमने सोच लिया है, हम अब चुप नहीं रहेंगे, आपको अपने कानून बदलने पड़ेंगे। वकीलों ने मुतालबा किया है कि आपका तफ्तीशी निज़ाम बहुत खराब है, तो ये कब तक खराब रहेगा? आप उसको बदलें। आपका जो अदालती निज़ाम है उसमें हजारों मसाइल हैं, उसमें इतनी ताखीर है कि जो बेचारा वो विक्टिम होता है वो मर जाता है मगर आपका केस मुकम्मल नहीं होता। तो कब तक हम ऐसे नामुकम्मल, हम दाहिल रियासत में रहेंगे? हम जिंदा लोग हैं, हम मरे नहीं हैं। रियासत मर गई होगी, अवाम जिंदा है। हम जो चुप रहेगी जुबान रियासत, जो चुप रहेगी जुबान रियासत, लहू पुकारेगा औरतों का। हम आपको पुकार पुकार के कह रहे हैं कि अब ये वक्त है कि आप उठें। हमारे जो मुतालबात हैं, जो इंसाफ मुहैया करना है, जो कानून में बेहतरी लाना है, जो ऐसे लोगों को बाहर निकालना है जो कानून नाफिज करने में कोताही करते हैं, रेप के जो लॉज हैं उसमें भी हमने अपनी तरमीम दी है। हम नहीं चाहते कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी औरत के मसले पे। अगर एक औरत का रेप होता है वो बराबर का जुर्म है, चाहे वो उसकी उम्र कितनी है, चाहे वो सिंधी है, पंजाबी है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। हम किसी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते। पाकिस्तान के दस्तूर को मानते हैं और हमारे आज के जितने भी मुतालबात हैं वो पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर रहते हुए ये सारे मुतालबे कर रहे हैं। और जो रियासत इस दस्तूर की पाबंदी नहीं कर सकती, इस पे अमल नहीं कर सकती, हम ऐसी रियासत को नहीं मानते। आप चले जाइए, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। शुक्रिया बहुत बहुत। और ऐसे सीसीपीओ को जो हमारे महाफिज बने फिरते हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। सामने पोस्टर पे लिखा है सीसीपीओ को फारिग करो। मेरी बहन सीसीपीओ से ऑलरेडी फारिग है। सीसीपीओ साहब अकल से ऑलरेडी फारिग है, उनको बर्तरफ किया जाए। मैं दरखास्त करूँ
एक औरत का रेप होता है। पिछले एक दिन के अंदर 5 रिपोर्टेड केसेस आए हैं रेप के, और ये मोटर वे रेप केस सिर्फ एक केस है हजारों में से। शायद इस हद तक कयामत आनी थी कि एक औरत का रेप उसके बच्चों के सामने हो, तब जाके कौम आवाज उठाएगी। लेकिन ये कौम भूल जाती है कि औरत का रेप औरत के लिए कयामत हर 2 घंटे में आती है, हर 2 घंटे में कयामत आती है। क्या होता अगर वो औरत अकेली होती? क्या होता अगर वो ट्रांस वुमन होती? क्या होता अगर वो क्रिश्चियन होती? क्या होता? क्या होता? ये सीसीपीओ जैसे मर्द एक बस विक्टिम ले भी करना आता है। वो अकेली रात को गई क्यों? उसने सेल्फ डिफेंस क्लासेस ली क्यों नहीं? वो उस रोड से क्यों जा रही थी? उसको इस रोड से जाना चाहिए था। ऐसे मर्दों के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं हम, ना मेरी गलती, मेरे कपड़े, ना वो जगह जहाँ बैठी, ना मेरी गलती, मेरे कपड़े, ना वो जगह जहाँ बैठी, ना मेरा कपड़ा, मेरा मादम, मेरी मेहनत का सूरी, ना मेरा कपड़ा, मेरा मादम, मेरी मेहनत का सूरी, दोनों वाले गए। किसी ना किसी बच्ची का, किसी ना किसी औरत के खिलाफ तशद्दुद हुआ है, किसी को मार दिया गया है। बलूचिस्तान में शाहीन का नाम है, पर पंजाब में छोटी छोटी बच्चियों के नाम आ रहे हैं, औरतों के नाम आ रहे हैं, और कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई किसी को सजा नहीं दी जाती। हमारा ये डिमांड है कि इस किस्म के तशद्दुद को रोके। रियासत का ये काम है कि मुल्जिमों को पकड़े, और ये नहीं कि जिस औरत के पर तशद्दुद किया गया है उसको उसके किरदार को बदनाम करना शुरू कर दें। हम ये नहीं मानते और हम इसकी इजाजत नहीं देते। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहां हम औरतों को भी वो सारे हुकूक हासिल हो जो किसी एक शहरी पाकिस्तान के शहरी को हमारे आईन में लिखे गए हैं। हम बराबर के सिटीजन्स हैं, हम मईशत का हिस्सा भी बनते हैं, हम समाज का हिस्सा भी बनते हैं, हम कानून का हिस्सा भी बनते हैं। हमें डिसीशन मेकिंग के हर हिस्से में आना है। ये हम करेंगे और ये हम लेकर रहेंगे। हमें ऐसा कानून, ऐसा मुल्क और ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ पे ऐसे मर्द हो जिनको अंग्रेजी में एक लफ्ज है मिसोजिनी, जो कि ये मतलब है कि अंदर से वो मर्द औरत को की नफरत करता है। ऐसे मर्दों को हटा देना चाहिए हर पोजीशन से। ये ऐसे मर्द, हम तो चाहते हैं कि मर्द हमसे प्यार करें। हम लोग अगर सब प्यार और मोहब्बत में मिलकर रहेंगे तो एक अच्छा प्यारा खूबसूरत समाज बनेगा। ये क्या कि आप हमसे नफरत करते हैं? क्यों करते हैं हमसे नफरत? हम तुम्हारे बच्चों की माएं हैं, हम तुम्हारी माएं हैं, हम तुम्हारे, हमारे बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। तो हमको अपने सारे हुकूक चाहिए, हम लेकर रहेंगे, कोई हमसे ये नहीं ले सकता। हमको आजादी चाहिए, हमको चाहिए कि हम जो भी टाइम पे जी चाहे अपने घर से बाहर निकले और सेफ रहे। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे हम जब भी निकलना चाहें। और ये हम हर औरत के लिए
जेंडर के लिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं इक्वल राइट्स, चाहे उसका कोई भी फेथ हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी तबका हो, हम सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए और हम अब लेकर रहेंगे, हम जीत के रहेंगे, हम जीत के लेंगे। जैसे सीमा जी ने कहा, मर्दों से प्यार करें ना करें, इंसान बन के रहे। एक चीज और कहना चाहती हूँ कि गैरत नहीं इंसान है औरत, गैरत नहीं इंसान है औरत, गैरत नहीं इंसान है औरत। बिल्कुल, मेरी मर्जी का मतलब समझ नहीं आया, अभी भी वहां सिकता है तो डूब मरे। आज के इस मुजाहरे में हमारे साथ जिन तंजीमों ने इस मुजाहरे को ऑर्गेनाइज किया है, उसके अलावा पीवाईए के साथ ही हमारे साथ शरीक हैं, इसके अलावा हमारे साथ अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ ही मौजूद है, मैं दरख्वास्त करूंगी सियासी औरतों की तरफ से, गजाला रहमान से, गजाला शफीक से, कि वो प्लीज आए। जब सामने सेल में बच्चों के माँ की इज्जत लुटती है, बेखौफ नठेरों के हाथों सड़कों पे असमत लुटती है, जब गुड़िया सी कोई बच्ची शहबत का खिलौना बन जाए, तत्राती नन्नी बच्ची का बचपन और खिलौना छिन जाए, हाथी के कमसुन बच्चे पर जब कुत्ते छोड़े जाते हैं, मुफलिस के बदन पर कारों के जब टायर उड़ाए जाते हैं, जब हवस का हक ना मिलने पर ख्वाजा सरा चलाए जाते हैं, जब छोटी सी गलती पर मासी पिटती और जान गवाती है, ए मुंसिफ दारोगा हाकिम, तब आप कहां पर होते हैं, कितनी बेगैरत नींद है जो आंखों में भर कर सोते हैं। मैं ये प्यामी अखियत की तरफ से ये शहरी अंदाज में ये जो पाकिस्तान की हालत है उसको बयान किया गया है। यहां पर आए रोज हमें रोना पड़ता है, हमें 4 साल, 6 साल, 10 साल, 50 साल, कभी वकील एडवोकेट की असमत लुट जाती है, कभी सहाफी शहीदा की असमत लुट जाती है, कभी जो जैनी मरीज 70 साल की और असमत लुट जाने वाला हम रिजेक्ट करते हैं। कॉल रेप इज रेप, रेप जब उसको कर दिया जाता है, उसको सारे आम उसके साथ ज्यादती की जाती है, उस वक्त ना मुल्ला होश में आता है ना हाकम होश में आता है, और औरत जब कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि जब नमान अजाज जैसा एक्टर टीवी पर बैठकर ये कहता है कि मैं एक ऐसा अच्छा एक्टर हूँ, कि मैं प्लॉट करता हूँ, मैं इश्क करता हूँ, और मेरी बीवी को पता नहीं चलता, और वो कहता है जिनकी बीवियों से मैं इश्क करता हूँ उनके खानदानों को पता नहीं चलता, क्या एक्टिंग का ये मियार है, क्या मीडिया का ये मियार है?
के मी टू मूवमेंट के बारे में आप क्या ख्याल है? तो ऐसा बेहया इंसान, ऐसा बेगैरत इंसान मीडिया पे बैठ के कहता है कि ये मजहब से दूरी है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछती हूँ कि आपने किताबों में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर था वो निकाल दिया आपने, पंजाब हुकूमत ने बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक जो चैप्टर था कहा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर जब मीडिया पर लोग ये सारी चीजें खुद समझने की कोशिश करते हैं तो फिर उनसे बिल्ली भी महफूज रही है, उनसे कुत्ता भी महफूज रही है, उनसे बेटी भी महफूज रही है, उससे माँ भी महफूज रही है। वो औरत जो पाकिस्तान का 51% कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो औरत जो पाकिस्तान की वजीर आजम है, वो औरत जो खेतों और खिलानों में मजदूरी करके इस मुल्क का पहिया चलाती है मैशियत का, वो औरत जो कारखानों में काम करती है, वो औरत जो अब रक्षा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है, उस औरत को आप कहते हैं कि ये रात को क्यों निकली थी? आप अपने कानून को महफूज बनाएं और ऐसे तमाम गंदी ज़हनियत रखने वाले ऑफिसर्स हुक्मरान जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर है उनको फौरी तौर पर औदों से बरतरफ किया जाए और सीसीपीओ उमर शेख को जिंदगी भर के लिए मासूल कर दिया जाए और ऐसे लोगों को रेपिस्ट को फांसी देने की बजाय उसके उसमें तनासर कार डाले जाए ताकि वो जिंदगी भर जमानत गिरे का दिफा लाकर ये गंदा फेर करने का सोच ना सके। औरत इंसान है, औरत का एहतराम करना सीखे। औरत रात को भी निकलेगी, औरत दोपहर को भी निकलेगी, औरत अकेली भी निकलेगी, औरत शॉपिंग भी करेगी। औरत का जिस्म औरत की मर्जी, औरत का जिस्म औरत की मर्जी, औरत का जिस्म मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। अभी औरत मार्च की तरफ से WDF की तरफ से साथियों की आवाज आपने सुननी है, उससे पहले जरा साथ बैठ के दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना पाना बदलेगा, तू खुद को बदल, खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हम पाकिस्तान की सारी औरतों, बच्चों और जेंडर माइनॉरिटीज और सबके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, जिन जिन को वायलेंस का टारगेट बनाया गया है, जिन जिन को ऊपर तशद्दुद किया गया है, हम आज जो है शहरी देही हर तरह की प्रोविंस की हर माइनॉरिटी की औरत, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, जिनके ऊपर जिनको अटैक किया जाता है, जिनको गिरफ्तार किया जाता है, जिनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, जिनके साथ फोर्स गारंट की जाती है, आज हम उन सबके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमें ये याद रखना है कि कई ऐसी औरतें हैं जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। वो ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए फेस करती हैं क्योंकि वो एक औरत की हैसियत से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शायद वो एक बलोच है, इसलिए भी वो शायद वजीरस्तान से ताल्लुक रखती है, इसलिए भी क्योंकि उन कम्युनिटीज से ताल्लुक रखती है जो शायद रियासत की गुड बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है उनका नाम। इसके अलावा हम देखते हैं कि रियासत ने अपना मुंह बिल्कुल मोड़ा हुआ है, उन्होंने अपना मुंह ऐसे एक्सट्रीमिस्ट चीज़ों के साथ, जमातों के साथ ज्वाइन किया हुआ है जो इस मुल्क में औरत के हकूक को और कम कर रहे हैं। और पहले तो सिर्फ औरत के हकूक की बात थी, अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, अब ये बच्चों को भी रेप करने लगे हैं। आज से तकरीबन 40 साल पहले शायद कराची की सड़कें ज्यादा सेफ थी औरत के लिए वॉक करने के लिए, लेकिन अब जो हम देखते हैं कि थिंग्स हैव बिकम वर्स, चीजें और खराब होती जा रही हैं। अब जो है ना सिर्फ रेप बल्कि गैंग रेप पे बात आ गई है, अब सिर्फ ना सिर्फ गैंग रेप बल्कि मर्डर पे बात आ गई है, यानी कि जो डिग्री है अजियत देने की औरत को वो
बढ़ती ही चली जा रही है, डिग्री है असियत देने की बच्चों को, वो जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अंदर रियासत ऐसे ही नहीं हो रही है, ये एक पॉलिसी के तहत हो रहा है। हमें जो सारी ये फंडिंग आती है ये कौन कौन से ममालिक से आती है, क्या इन ममालिक में औरतों के जो हकूक दिए जाते हैं? कुछ ऐसे ममालिक है जिनकी फंडिंग उनके यहाँ खुद ही औरतों को हकूक नहीं दिए जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज जो हजारों लोग रैली शहर के दूसरी तरफ निकाल रहे हैं वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? वो इंतहा पसंदी की चीजों में क्यों लगे हुए हुए हैं? वो यहाँ पे औरत और बच्चों के हकूक के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या औरत इंसान नहीं है? क्या बच्चे इंसान नहीं है? क्या उनके कोई हकूक नहीं है? हमें ये मानना पड़ेगा और स्टेट को भी ये मानना पड़ेगा कि रियासत का और हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें हमारे सारे हकूक मिले और हमारे हकूक के तहफ़ हो, ये चीज़ हमारे यूएन चार्टर्स के अंदर मौजूद है, हमारे लॉज के अंदर मौजूद है, लेकिन रियासत पर पैसा नहीं डालना चाह रही। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इस पर सी पैक के ब्रिजेस और उसका पैसा नहीं आता, इस पर पैसा क्या लगेगा? लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि इनका इधर आए और हम इनका एहतसाब करते रहेंगे। और ये जो डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, ये लोग डेथ पेनल्टी के इजी में आओगे इनके पास, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है, ठीक है? आप ये याद रखिएगा। और डेथ पेनल्टी इसलिए भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे निजाम में पहले ही इंसाफ नहीं है। ऐसे करने से जो इनोसेंट लोग हैं उनको डेथ पे ना सकते, जो कि बिल्कुल गलत होगा जस्टिस के लिए। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम सारे इंस्टीट्यूशनल चेंज करें, पुलिस रिफॉर्म्स करें, काउंसिलिंग सर्विसेज फ्री प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स, वी हैव टू मेक श्योर। शुक्रिया। साथियों, औरत मार्च की तरफ से सारा सामान हमारे साथ है। मैं बगैर किसी वक्त का ज़ाया किया किए बगैर उनसे कहूँगी कि आपसे मुखातिब हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं, कहने को तो बहुत कुछ है और सब लोग यहाँ पे काफी भरे पड़े हैं, तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम क्यों हैरान और परेशान और शॉक होते हैं जब ऐसा कुछ होता है। इसी मुल्क में कुछ सालों पहले औरतों को गैंग रेप करा के बाकायदा नंगा परेड किया गया है। इसी मुल्क में बहुत सारी लोगों ने आसानी से छूट हासिल कर ली है कानून के जंगल से। मैं ये समझती हूँ कि हमारा मसला कानून नहीं है और इस मसले का हल लोगों को चौराहे पे लटकाना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आप सजाए मौत देते हमारे, आप जेलों में जाके देख ले, जेल हमारी भरी पड़ी है, वो लोग जो मौत का इंतजार कर रहे हैं हजारों में है, क्या उससे रेप रुका? क्या उससे घरेलू तशद्दुद रुका? क्या ये आप अगर लॉ बना लेंगे और आप इस तरह के पैगाम देंगे जो कि हमारे सीसीपीओ ने दिया, तो ये तजाद नहीं है तो क्या है? कानून हमारे मसलों का हल नहीं है, हमारा मसला जो है वो एक ज़हनियत से है और ये ज़हनियत आपका मोहल्ला, आपका घर, आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपके ऊपर बैठे हुए लोग जो कि तैयार नहीं है, जो चाहते हैं कि आप आपस में लड़ लड़ के मर जाए, उनको कुछ ना करना पड़े। कानून बनाएंगे लेकिन मसलों को आप सही नहीं करेंगे, वो आप वो नौबत ही नहीं आएगी कि आप किसी को लटकाएं, अनलेस आप ड्यू प्रोसेस को उठा के खिड़की से बाहर फेंकने को तैयार हैं। और हम ये कबूल कर लें कि हमें कंप्लीट तौर पे, मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून चाहिए, हमें जंगल का कानून नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए जिस पे हम लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, एक आईन के अंदर रहते हुए उन चीजों को बदला जाए। अगर आप बदलने को तैयार नहीं हैं, तो हम क्या करें अगर आपको ना मिल पाए? बस मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, वो किसी और को दे रहा हूँ। हम ये याद रखें कि अभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी तो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, जब अगर ये चीजें खत्म नहीं होगी तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं। अगर एक और बात का इजाफा कर दूं, अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो हमारे पर काणे राजे ही आके सरकार चलाएंगे। जारी है जारी राजी, जान बता दी जाए।
क्योंकि बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है और राजीव की भी मेंबर है, कि वो आके बात करें जिस तरह की हर जिस तरह से हर औरत पे पाकिस्तान में तशद्दुद होता है, उसी तरीके से बलोच औरत पे भी हम तशद्दुद देख रहे हैं। लास्ट वीक शाहीना जो कि एक बलोच जर्नलिस्ट है, जिनको भी लड़की से उनके एक्स हस्बैंड ने मारा था, उसके लिए हमें आवाज उठानी है। हम उसके लिए इस प्रोटेस्ट में भी आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। जैसे कि मनीषा ने मेरा तारुफ करवाया, खुशी बलोच मेरा नाम है और राजीव बलोच वुमेन फोरम से तालुक रखती हूँ। आज यहाँ पर मैं सिर्फ सोलिडारिटी के लिए नहीं आई हूँ, मैं उस समाज जो है वो उसके लिए आवाज़ उठाने आई हूँ जहाँ पर एक औरत का चलना जो है वो एक अजाब बन गया है, एक औरत का जो है वो आवाज़ उठाना अजाब बन गया है, इवन औरत का सोशल मीडिया पर अपने ख्याल का इजहार करना अजाब बन गया है। तो ये हमारा जो एक हमारे लिए जो एक निज़ाम बनाया जा रहा है वो मज़ीद तंग से तंग किया जा रहा है, और इसके एग्जाम्पल्स एक महीने में औरत के साथ जो पेश आए वाक़ियात हैं उससे आप जो है वो एग्जाम्पल्स ले लें कि किस तरह से ये समाज एक एंटी वुमेन समाज बनता जा रहा है, किस तरह से ये समाज जो है वो औरत को किसी भी उलिये में, खा वो दुपट्टे में हो, खा वो जीन्स में हो, खा वो शर्ट में हो, खा वो लंबी कमीज में हो, वो औरत किसी भी हालत में यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर जरूरत है एक्सेप्टेंस, तो हम यहाँ एक्सेप्टेंस चाहते हैं। हम यहाँ वो समाज चाहते हैं जहाँ पर मर्द भी आज़ाद हो और औरत भी आज़ाद हो, औरत को बराबरी दी जाए, औरत को औरत या इंसान सबसे पहले इंसान समझा जाए, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम औरतें उसके लिए हम आवाज़ हों। हम औरत उन तमाम गटे पिटे जो निज़ाम हैं, जो लोग हैं, जो सोच है, उनके लिए हम आवाज़ हों और अपने हक के लिए हमेशा से जो है वो आवाज़ उठाते जाएँ। इसके अलावा मैं शाहीना शाहीन के केस पे भी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि तुर्बत में जो है पेश आया वाक़िया है जिसमें हमारे बलोच जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनको जो है वो ऑनर किलिंग के नाम पे जो है वो कत्ल किया गया। अच्छा, तो कत्ल किया गया, अब कुछ आवाज़ ना उठाए, क्यों? क्योंकि वो ज़ाती मसला है। ज़ाती मसला क्या है? क्योंकि औरत ने चीटिंग किया। अगर चीटिंग के नाम पे इस समाज पाकिस्तान में मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दे, क्या आपको लगता है ये मर्द आज़ाद बचेंगे? तो अगर चीटिंग के नाम पे आप किसी के कत्ल को इस समाज में जस्टिफाई कर रहे हो, मेरा ख्याल से ये समाज नहीं है। एक इंसान को आप चीटिंग के बेस पे जो है वो कत्ल करते हो, और मुल्ज़िम अभी तक आजाद है, अभी तक मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं है। तो ये हमें बताती है कि इस समाज में औरत की जगह नहीं है, इस समाज में औरत को इंसान नहीं समझा जाता। जिसका दिल करता है वैसे ट्रीट किया जाता है, जिसका दिल करता है ऑनर किलिंग पे मार देता है, जिसका दिल करता है रेप पे जो है वो उसको जो है वो कच्चा में जो है उस पे नाम उसका आ जाता है, और आफ्टर दैट उसको ब्लेम भी किया जाता है। ऑनर पे मरी है उसकी गलती होगी, रेप किया है उसकी गलती होगी, हरास हो गई है उसकी गलती होगी, और कब तक ये चलता रहेगा? हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए। औरत क्या मांगे? औरत क्या मांगे? औरत क्या मांगे? जीने की मांगे, अपने हक की मांगे। क्या तुम नहीं दोगे? क्या तुम नहीं दोगे? हम छीन के लेंगे, तुझे देनी पड़ेगी।
इतनी लूली लकड़ी हो गई है, इतनी नाहिल हो गई है कि अब मुसम्मत ही मेहमान चली गई और अब उमर शेख जैसे रेप अपोलोजिस्ट हमारे सामने नजर आते हैं। हमें जो हमें कहते हैं ये कपड़े महल के बाहर निकलो, इस वक्त निकलो, इस वक्त ना निकलो, ये आपका काम नहीं है। आवाज़ कहाँ है?